तो प्रश्न, जो एमरीवर्ड एप्लीकेशन है, एमरीवर्ड एप्लीकेशन को कौन नहीं जानता है भाई, कौन नहीं जानता है एमरीवर्ड एप्लीकेशन को। ये भाई फेमस है अपने इंस्टेंट रिडीम और अलग अलग तरीके का मेथड के बारे में। लेकिन इसमें भाई जो एक प्ले टाइम गेम का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप लोगों को गेम शो ही नहीं होता है, तो भाई उसी वाले प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। और मैं एक ट्रिक को अप्लाई करूंगा, जितने भी मेरे कम कॉइन देखने को मिलते हैं, ये सभी के जितने भी देखो मेरे गेम नहीं देखने को मिलता है, बट एक ट्रिक को अप्लाई करूंगा। ट्रिक अप्लाई करने के बाद जैसे ही मैं ऐप को क्लोज करके फिर से ओपन करूंगा, और भाई देखो फोन को जैसे मैं एप्लीकेशन जो है ना एप्लीकेशन उसको क्लोज करूंगा और ओपन करूंगा, तुरंत में देखना, अभी गौर से देखो, तुरंत के तुरंत में गया और यहां पर देखो मेरा 102 गेम के बदले में देखो 17 से 18 गेम यहां पर मेरे आ चुके, 17 से 18 गेम, और ये मात्र एक छोटा सा ट्रिक से हुआ है। तो कैसे हुआ चलिए जानते हैं। तो ये बात आप लोगों को सभी को पता होगा कि एमरीवर्ड एप्लीकेशन में हम लोगों को गेम लिमिटेड टाइम मिलता है, लेकिन भाई 2 से 3 गेम मिलने से हमें क्या होगा भाई, 2 से 3 गेम तो हम लोग तुरंत तुरंत में कंप्लीट करके खेल करके तुरंत तुरंत में उसे उड़ा सकते हैं। लेकिन आप लोगों का जो प्रॉब्लम है कि भाई आपको गेम देखने को मिलता है नहीं है। लेकिन आज जो एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके मदद से आप लोगों को पॉइंट की बारिश होने लगेगी। बस उसके लिए आप लोगों को करना कुछ भी नहीं, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और बिना स्किप किए हुए देखना, और पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना है, तभी जाकर वो वाला ट्रिक आप लोग अप्लाई कर पाओगे। और भाई ऐसा ट्रिक देखूंगा ना जिस पर आपको क्लिक करोगे ना, और एक बार एप्लीकेशन को जो रिफ्रेश वाला ऑप्शन इस तरह से रिफ्रेश करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली गेम अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से उस ट्रिक को आप लोगों को मैं समझा देता हूं। ट्रिक मेरा क्या है, अभी मैं आप लोगों को ट्रिक को समझाता हूं। सबसे पहले एमरीवर्ड एप्लीकेशन के बारे में आप लोग जानो। एमरीवर्ड एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपको इंस्टेंट रिडीम कोड, फ्लिपकार्ट का मतलब फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर और भी यूपीआई कैश, पेटीएम का, सभी तरह का गिफ्ट वाउचर आपको ये इंस्टेंट प्रोवाइड कराने वाला एप्लीकेशन है। और अभी तक का यूट्यूब पर सबसे प्रचलित रिडीम कोड अर्निंग एप्लीकेशन का बात करें तो वो है एमरीवर्ड। और एमरीवर्ड भाई बच्चा लोगों को पता है कि एमरीवर्ड एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि इंस्टेंट पेमेंट देता है। लेकिन भाई इसमें से सभी लोगों का कमेंट यही आता है कि भैया मुझे एमरीवर्ड एप्लीकेशन में जो गेम वाला ऑप्शन है वो गेम आ ही नहीं रहा, मेरा सबका सब गेम खत्म हो चुका है। तो गेम लाने का एक नया ट्रिक है इस एप्लीकेशन में। वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले मेरे बात को समझो। एप्लीकेशन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से करके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर ऐप इन्फो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये जो ऐप इन्फो वाला ऑप्शन देखने को मिलता है ना, इस ऐप इन्फो का ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ में आप लोगों को सामने एप्लीकेशन खुल करके आ जाएगा इस तरह से करके। यहां पर आपको एक स्टोरेज एंड यूजेस का ऑप्शन मिलेगा, उसके बगल में आपको यहां पर स्टोरेज एंड यूजेस का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद में एक क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा और एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर कैशेस का। तो भाई अगर आप क्लियर डाटा करते हो तो आपका यहां पर से अकाउंट अकाउंट सब लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है, फिर आप लॉग इन कर सकते हो। ऐसा बात नहीं, आपको मोबाइल नंबर डाल करके ओटीपी डाल करके लॉग इन कर सकते हो, बट अगर मैं ऐसा आपको बताता हूं तो आप क्लियर डाटा कर देते हो तो भाई कभी कभी होता है ओटीपी वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होता है और बार बार पुराना वाला नंबर पर ओटीपी जाता है जिसके कारण से वेरीफाई नहीं हो पाता है और आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली, भाई मैं बोलूंगा कि आपको ट्रिक बताने के चक्कर में आप मेरा अकाउंट को लॉग आउट करवा दिए, ये तो गलत हो जाएगा। इसी के लिए आप लोग क्लियर डाटा ना करके क्लियर कैश करना, ठीक है, क्लियर कैशेस करना, इस पर क्लिक करना, फिर इससे बाहर आ जाना बिकॉज बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर में आना और यहाँ पर एक परमिशन का ऑप्शन मिलेगा। परमिशन का ऑप्शन पर आप लोग देख लेना भाई, अगर हो सके कुछ ऐसा परमिशन तो आप लोग दे देना, क्योंकि अगर आप परमिशन नहीं दिए रहोगे तो एप्लीकेशन में गेम वाला ऑप्शन काम नहीं करता है। फिर ये पहला ऑप्शन था। इस एप्लीकेशन को ऑप्शन देने के बाद में आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आपको इस तरह करके प्ले स्टोर को ओपन करना है। यहाँ पर आने के बाद में इसको आपको सर्च करना। सर्च क्या करना भाई, यहाँ पर आपको सर्च कर देना है एमरीवर्ड, MREWARD, एमरीवर्ड एप्लीकेशन को सर्च करना। सर्च कर देने के बाद में आपको एमरीवर्ड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब यहां पर देखो आपको एक अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलता रहेगा, तो ये वाला सबसे मेन काम है। आपको ये जो अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस अपडेट को जरूर से जरूर कंप्लीट करना है। जब तक आप अपडेट को ऑप्शन पे क्लिक करके एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करते हो तो भाई आपका गेम 90% का चांस है कि गेम नहीं देखने को मिलेगा। तो ये वाला ट्रिक को पहले ये वाला अपडेट वाला ऑप्शन है, अपडेट वाला ऑप्शन को अप्लाई कर देना, यानी कि अपडेट कर लेना एप्लीकेशन को। अपडेट कर देने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर से पूरा का पूरा इस जगह से काट करके यहाँ पर से हटा देना, ठीक है। हटाने के बाद में अब एप्लीकेशन के अंदर में जाना है। पहला तो आप डाटा क्लियर किए, अपडेट किए, अपडेट कर देने के बाद में भाई आपको एक और काम कर देना है। जैसे कि मान के चलो अगर आप ऐड ब्लॉकर का यूज करते हो तो अपना सेटिंग में जाना और सेटिंग में जा करके जो आप ऐड बंद करके रखे हुए उसको ऐड को बंद नहीं करना है। इसमें आपको ऐड को यहाँ पर मेरा देखो ऐड बंद है, यहाँ पर मैं ऐड को चालू करता हूँ फिर से। अब यहाँ पर मेरा ऐड चालू हो चुका है। उसके बाद में आपको एक काम और करना है, सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद में
आपको यहाँ पर गूगल का एक ऑप्शन मिलेगा, गूगल का ऑप्शन पर जाना है। गूगल का ऑप्शन पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऐड का ऑप्शन मिलेगा, ऐड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रिसेट एडवर्टाइजर आईडी इसको क्लिक करके इसे रिसेट कर लेना, क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि आपका यहाँ पर से ब्लॉकर यूज नहीं कर पाता और आपको बार बार उस एप्लीकेशन को यूज कर चुके। मान के चलो अभी आप एंग्री बर्ड गेम को खेले और फिर से एंग्री बर्ड गेम उसमें नहीं आ रहा, तो भाई ये एडवर्टाइजर आईडी होता है ना, इसको आप रिसेट कर, जैसे हम लोग फोन को रिसेट करते हैं तो कैसे पूरा पूरा का पूरा नया फंक्शन हो जाता है, उसी तरह से आप एडवर्टाइजर आईडी को रिसेट कीजिएगा तो भाई आपका पूरा का पूरा यहाँ पर से ये कंप्लीट हो जाएगा और आपका डाटा फिर से शो होना शुरू हो जाएगा। तो अभी आप लोग यहाँ पर जो मेन ऑप्शन है ये वाला मैं आपको करके बता दिया हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। एप्लीकेशन को ओपन कर देने के बाद में आप लोग गौर से देखना, अभी मेरे पास कॉइन उतने ही पड़े हुए हैं, सब कुछ उतने ही कॉइन पड़ा हुआ, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पर गौर से देखो, प्ले टाइम गेम का ऑप्शन मिलता है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ कभी कभी एक परमिशन मांगता है एक्सेस का, तो एक्सेस दे देना। अब यहाँ पर गौर से देखो, मेरे पास जो गेम था, गेम मेरे पास यहाँ आ चुका है। कितना गेम आ चुका है भाई, एक गो गेम, दो गो गेम और यहाँ पर देखो गौर से तीन गो गेम, टोटल तीन गेम मेरे पास आ चुके हैं। ऐप आवर का ऑप्शन पर देखोगे, अभी तक मैं एक भी टास्क को कंप्लीट नहीं किया हूँ, आप लोग यहाँ पर गौर से देख सकते होंगे। लेकिन डिस्कवर का सेक्शन पर आने के बाद आप लोग गौर से देखो भाई, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश कर देने के बदले में आप लोग गौर से देखो मेरे पास गेम आ चुका है और इन सभी गेमों को भी मैं प्ले कर करके आपको पॉइंट्स की अर्निंग करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखो अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन है, जिसे भी अगर आप इंस्टॉल करके एक मिनट तक के लिए ओपन करते हो तो आपको इसमें स्क्रेच कार्ड भी मिलेगा और इस गेम को खेलने के बदले में पॉइंट भी मिलेंगे। एक मिनट तक गेम को प्ले करना पड़ता है, ये बात तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर मान के चलो मैं एप्लीकेशन पर जाता हूँ और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता हूँ, जो कि अनअकैडमी एप्लीकेशन है। आपको मैं तीनों का तीनों गेम को यहाँ पर से कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ और भाई सब कुछ मैं कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि गेम खेल करके अर्निंग करना जो है ना, हम एम रिवार्ड एप्लीकेशन में कि गेम खेल करके अर्निंग कैसे करें, तो वो बात इसमें भाई लागू होता है एम रिवार्ड एप्लीकेशन में। तो आप लोगों को मैं गेम खेल करके अर्निंग करने के लिए बहुत बड़ा बताया, लेकिन फिर भी मैं इन सभी एप्लीकेशन का आपको फेक ना हो लगे, ऐसा नहीं हो कि आपको भाई वीडियो फेक लग रहा होगा, ठीक है। इसी के लिए आपको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा अर्निंग करके अपना दिमाग से अर्निंग करके इसमें बताता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखो, मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, एप्लीकेशन को ओपन करने बाद एक मिनट तक मुझे एप्लीकेशन को ओपन करके रखना है बस। तो चलो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ जब तक मेरा एक मिनट नहीं होता है। तो चलो अनअकैडमी वाला टास्क तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर से जाता हूँ, एक और भी यहाँ पर गेम से मिलते हैं, जैसे कि जोम्बीज यहाँ पर डिफेंस करके है, तो ये वाला भी गेम को मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। और इस गेम को भी इंस्टॉल करने के बाद में आपको पॉइंट मिलेगा, और भाई इंस्टॉल करने बाद आपको पहले तो एक स्क्रेच कार्ड मिलेगा, और इसे इंस्टॉल करने बाद गेम को एक मिनट तक प्ले करोगे तो एक मिनट प्ले करने के बदले में आपको और भी एडिशनल पॉइंट मिलते हैं पर मिनट गेम प्ले करने के बदले में, जो कि आगे आपको मैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे कि प्ले का ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, तो प्ले का ऑप्शन पर क्लिक करने वाले मैं गेम को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग गौर से देख पा रहे हो भाई, मेरे यहाँ पर से गेम जो है वो गेम चालू हो चुका है, ठीक है। गेम चालू होने के बाद में यहाँ पर आपको बताया भी जा रहा है कि किस तरह से करके गेम को प्ले करना है। यहाँ पर आप लोग गौर से देखो, इस तरह से कर करके आप लोग यहाँ पर गौर से देखो, इस तरह से कर करके अब यहाँ पर मैं सेटिंग में जाता हूँ, पहले इसका वाइब्रेशन को यहाँ पर ऑफ कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखो ड्रैग करने का ऑप्शन मिलता है, आपको ड्रैग कर देने के बाद आप लोग गेम यहाँ पर देखो इस तरह से करके आना है और भाई इससे निकलना है, पहले निकलने के बाद आपको इस तरह से करके फायर का ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर गौर से देखो, इस तरह से कर करके फायर का ऑप्शन, मतलब इसको ना दिखना चाहिए बस, ज़ॉम्बीज़ इसको दिखने चाहिए, ज़ॉम्बीज़ जैसे दिखेंगे ना ऑटोमेटिकली फायर करना शुरू कर देगा। आप लोग यहां पर गौर से देख सकते होंगे किस तरह से करके ये गेम को प्ले कर रहा हूं मैं, ठीक है। अभी यहां पर तो ये गेम को प्ले करने के बाद यहां पर पॉइंट मुझे रिसीव हुआ। अभी आप लोग ऊपर से देखना, नोटिफिकेशन आएगा एम रिवार्ड एप्लीकेशन की तरफ से कि भैया आपको यहां पर पॉइंट रिसीव हो चुके, ठीक है। आप लोग यहां पर गौर से देखो इस तरह से कर करके, तो यहां पर आप लोग एक मिनट भाई यहां पर क्या दिखा रहा है, तो इस जगह पर हां यहां पर देखो, अब यहां पर गौर से देखो इस तरह से अपग्रेड अपग्रेड, मतलब ये गेम प्ले करने में थोड़ा देर तक मैं गेम को प्ले करता हूं। तो भाई देखो फाइनली मेरा गेम प्ले हो रहा है, गेम प्ले होते के साथ में ऊपर से देखो नोटिफिकेशन भी आ रहा है कि एम रिवार्ड एप्लीकेशन की तरफ से 6 कॉइन यहाँ पर मुझे रिसीव हुआ है। यहाँ पर तो देखो भाई यहाँ पर 3 से 4 नोटिफिकेशन आ रहा है, 6 कॉइन और फिर देखो एक स्क्रेच कार्ड भी यहाँ पर मुझे रिसीव हुआ है। ऊपर से अपना नोटिफिकेशन देख सकते हो एप्लीकेशन के अंदर से कितना सारा मुझे गेम खेलने के बदले में पॉइंट रिसीव हो रहा है, और ये सब कुछ भी आपको लाइव में करके दिखा रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो ना। अभी मैं क्या करता हूँ, इस एप्लीकेशन से पहले से बाहर निकलता हूँ और एम रिवार्ड एप्लीकेशन के अंदर में जाकर आपको मैं लाइव करके दिखाता हूँ, क्योंकि भाई देखो आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ बताना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वीडियो में आप लोग लाइव प्रूफ के नहीं बताएंगे भाई आप लोगों को दिक्कत होता है। जैसे मान के चलो यहां पर गया, यहां से रिफ्रेश किया, तो यहां पर देखो गेम मेरा यहां आ चुका है, यहां पर मात्र एक गेम और बचा हुआ है। मैं क्या करता हूं भाई, ये वाला भी गेम जो दिख रहा है, इस गेम को भी इंस्टॉल करके इसमें से भी एक मिनट गेम प्ले करने बदले आपको 16 पॉइंट करके रिसीव हुआ। चलो मैं फटाफट से इसे भी इंस्टॉल कर ही लेता हूं। तो देखो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में इसमें भी मैं गेम को प्ले करता हूँ भाई। ऊपर से देखो मेरा नोटिफिकेशन, अभी 3 नोटिफिकेशन इसमें आया हुआ, आप लोग गौर से देख पा रहे हो 3 नोटिफिकेशन है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस वाले गेम को फटाफट से जाता हूँ, यहाँ पर गेम को जाने के बाद में आप लोगों को फटाफट से इस गेम को मैं 1 मिनट 2 मिनट तक गेम को प्ले कर लेता हूँ, फिर आगे का जो जैसे इसमें से कॉइन मुझे रिसीव होना शुरू हो जाएगा मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखा दूंगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो मेरा जो कोइन है वो कोइन तो इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। देखो यहाँ पर 5-5 को नोटिफिकेशन मेरा आ चुका है, जिससे बहुत कुछ भी आगे आपको मैं दिखाने वाला हूँ। बट मेरा फोन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया भाई, देखो 44 डिग्री सेल्सियस मेरा फोन का टेम्परेचर हो चुका है। आप लोग यहाँ पर गौर से देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो मुझे पता नहीं, बट अगर आप लोग देख पा रहे हो अच्छे तरीके से तो भाई देखो यहाँ पर 44 डिग्री सेल्सियस मेरा फोन का टेम्परेचर हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर से फटाफट जाता हूँ इसे बाहर निकल लेता हूँ पहले, और बाहर निकलने के बाद भाई अपना एम रिवॉर्ड पर जाता हूँ, इसे भी एक बार रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश कर देने के बाद में देखो और भी मेरा गेम आना शुरू हो चुका है, मतलब एक गेम को वहां पर से मैं कंप्लीट किया, ये जो गेम है इस गेम को कंप्लीट किया, एक यहां पर से आ चुका है, एक यहां पर से आ चुका है, दो यहां पर आ चुका है, 3 गो 4 गो और 5 गो, फिर 6 गो और 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 गो 14 गो 15 गो 16 गो, भाई इतना इतना गेम आ चुके हैं मेरे तुरंत के तुरंत में। आप लोग यहां पर गौर से देखो कितने सारे गेम आ चुके हैं। अभी यहां पर गेम को मैं प्ले किया और उन सभी गेमों को खेल करके खत्म किया, अभी तुरंत आप लोग लाइव भी देख सकते हो यहां पर से। यहां पर मैं दो गेम को कंप्लीट किया और यहां पर देखो मेरा कितना सारा गेम यहां पर अभी आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहां पर देखो 14 15 16 17 और 17, भाई 17 को गेम आ चुका अभी तुरंत के तुरंत। फिर एक बार मैं जाऊंगा और फिर जाने बाद यहां पर एक बार और इस तरह से करके मैं रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश कर देना भाई। रिफ्रेश करने के बाद फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ही को कमी भी है, मतलब आप लोग समझ सकते हैं ना इतना सारा गेम आ चुका है। अब मैं इससे बड़ा ट्रिक और क्या दूं, अब अभी लोग बताओ मुझे भाई इससे बड़ा ट्रिक कौन सा होता है, मुझे कमेंट करके बताओ। मैं इतना बढ़िया ट्रिक आप लोगों को दे दिया हूं, गेम खेलो अप्लाई करो और स्क्रेच कार्ड की अर्निंग करो। अभी मैं आपके आंखों के सामने में देखो कितना सारा गेम को प्ले किया, गेम प्ले करने में देखो मुझे यहां पर 16 पॉइंट, नया स्क्रेच कार्ड 6 पॉइंट 6 पॉइंट, इस तरह करके यहां पर गेम खेलने के बदले में मुझे पॉइंट यहां पर रिसीव हो चुका है। मैं आपको इतना सब कुछ लाइव करके दिखा दिया हूं, ठीक है। अभी जो स्क्रेच कार्ड मुझे मिला यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मुझे जो स्क्रेच कार्ड मिला वो स्क्रेच कार्ड, चलो मैं इसे स्क्रेच कार्ड को स्क्रेच करके भी दिखा दिया। देखो क्लाइम रिवार्ड को ऑप्शन पर क्लिक किया और ये रिवार्ड भी क्लाइम में करके दिखा दिया। फिर से देखो ऊपर से फिर से मैं एक बार स्क्रेच किया, फिर से देखो इसका भी क्लाइम किया, इसे भी स्क्रेच कार्ड को क्लाइम करके आपको मैं दिखा दिया। ऊपर से नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि आप लोग देखो यहाँ पर क्लाइम कर चुके हैं, यहाँ पर गौर से देखो भाई इस तरह करके आप लोग। और भाई अभी तक वीडियो पर कमेंट नहीं किए हो तो भाई आपको यहाँ पर कमेंट करो यार वीडियो पर, फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करो और इस तरह का नया नया ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग को इस तरह का नया नया ट्रिक दिया जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ट्रिक के बारे में। और इसमें भाई एक और भी नया ऑप्शन आया हुआ है जो कि फैंटास्टिक गेम का एक ऑप्शन है, इनसे भी ऑप्शन तो पहले से ही थे बट इसमें एक फैंटास्टिक वाला गेम ऑफर देखने को मिलता है, जहां पर आप लोग गौर से देखो इस जगह पर फैंटास्टिक गेम है ना, इस पर क्लिक करना, डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक करना, और डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक करोगे भाई आपको डाउनलोड का फाइल ऑप्शन देखने मिलेगा, आपको डाउनलोडिंग ऑप्शन पर लगा देना, चलो मैं डाउनलोड कर लेता हूं। और ये डाउनलोड होने के बाद भाई आपको फाइल मैनेजर पर चला जाएगा, तो आपको फाइल मैनेजर को ओपन करना है और यहां पर भाई आपको एक ऐप का सेक्शन मिलेगा, ऐप का सेक्शन पर आओगे तो एम रिवॉर्ड प्रो का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें एम रिवॉर्ड प्रो करके एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। और आप लोग गौर से देखो इस जगह पर एम रिवॉर्ड प्रो एप्लीकेशन को मैं क्या करता हूं यहां पर से मैं इंस्टॉल करता हूं, ये एम रिवॉर्ड नहीं है ये एम रिवॉर्ड प्रो है, ठीक है। इसे मैं क्या करता हूं पर डन कर लेता हूं पहले, आप गौर से देखो भाई यहां पर एप्लीकेशन में तो ये तीन अभी एप्लीकेशन में इंस्टॉल किया था, इन तीनों एप्लीकेशन को पहले मैं अभी डिलीट करूं क्योंकि मेरा फोन बहुत ज्यादा हीट हो चुका है भाई, ओवर हीट हो चुका है मेरा फोन। अभी आप लोग यहां पर गौर से देखो भाई इन दोनों एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या, आप अगर भाई देख पा रहोगे तो आप गौर से देखोगे इस जगह पर तो भाई आपको देखने को मिलेगा इन दोनों का नाम को देखो, एक है एम रिवॉर्ड्स और एक है एम रिवॉर्ड्स प्रो। ये जो एप्लीकेशन है भाई एम रिवॉर्ड प्रो, ये एम रिवॉर्ड प्रो एप्लीकेशन है भाई। और भी आप लोगों को यहां पर देखो एम रिवॉर्ड ये एप्लीकेशन, ये जो है एम रिवॉर्ड, मतलब दोनों का दोनों एप्लीकेशन में डिफरेंस है भाई। देखो ये एम रिवॉर्ड है, ये एम रिवॉर्ड प्रो एप्लीकेशन है, और यहां पर देखो भाई ये एम रिवॉर्ड एप्लीकेशन है, दोनों का दोनों एप्लीकेशन में डिफरेंस है। तो ये एप्लीकेशन को भी आप लोग ट्राई कर लेना, ये दूसरा तरह का एप्लीकेशन है। और आपको भाई जो जो मैं जो बात हुआ था ट्रिक का, मैं ट्रिक बता चुका हूं और ट्रिक अप्लाई करके आपको मैं दिखा भी दिया हूं। और मेरा गेम का पेज में आप लोग देख भी सकते हो कितने सारे गेम ऐड हो चुके हैं, एक यहां पर देखो गिनती करोगे भाई आप गिनती भुला जाओगे, इतना सारा मेरे पास आप लोग यहां पर गेम देखने को मिलेगा। आप लोग यहां पर गौर से देखो कितना सारा मेरे पास आपको यहां पर गेम देखने को मिलता है, आप लोग जितना मर्जी उतना ज्यादा गेम प्ले करोगे और उतना ज्यादा पॉइंट्स की अर्निंग कर सकते हो। चलिए आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।